सिग्नी प्रो पॉकेट डीएसएलआर किट। सो ये एक ऐसा मोबाइल कैमरा लेंस है जो मेरे को लगता है अभी तक जितने मैंने लेंसेज ट्राई करे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लेंसेज, बेस्ट परफॉर्मिंग लेंस जो मैंने अभी तक ट्राई करा है। ये वाली जो किट है इसमें वाइड एंगल प्लस 15x मैक्रो लेंस है। आगे इस वीडियो में मैं पूरा इन दोनों लेंसेज के बारे में इनडेप्थ रिव्यू करूँगा। आई टॉक अबाउट कि कैसा परफॉर्मेंस है, क्या सैम्पल्स हैं, मैं आपको सैम्पल्स दिखाऊँगा, फोटोज़, बैक कैमरा एंड फ्रंट कैमरा दोनों से। उससे पहले एक क्विक अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं कि इस बॉक्स के अंदर है क्या, बिकॉज जब मेरे पास ये कोरियर में आया था रिव्यू यूनिट, तो बॉक्स देख के ऐसा फ़ोन के बॉक्स वाली फीलिंग आ रही थी, बिकॉज इफ यू सी ये प्रॉपर फ़ोन के बॉक्स की तरह लगता है। मैंने अभी तक कोई ऐसा मोबाइल लेंस इतनी प्रीमियम पैकेजिंग में नहीं देखा। एनीवेज मैं ब्रांड का नाम बताना भूल गया, ये स्काईविक ब्रांड है जिनका सिग्नी प्रो ए सीरीज़ है जो मेरे पास ये रिव्यू के लिए आया है। टॉकिंग अबाउट कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं, तो एक बार जल्दी से इसको ओपन करके देखते हैं। और एक और चीज़ जो मेरे को इस पैकेज के बाद अच्छा लगा वो है, इसके बाद एक और केस यहाँ पे इन लेंसेज का मिलता है, इसके अंदर है वो लेंस। और इस किट का नाम DSLR लेंस किट है बिकॉज इसके अंदर जो लेंस है उसका जब मैं आपको साइज़ दिखाऊँगा, इट इज़ एक्चुअली द साइज़ ऑफ अ DSLR लेंस, मतलब उतना तो नहीं बट काफ़ी बड़ा है लेंस के हिसाब से। लेट मी शो यू। सो ये है मोबाइल का लेंस। सो दिस इज़ द वाइड एंगल लेंस जो यहाँ पे आपको आगे दिख रहा है, एंड पीछे की तरफ ये है मैक्रो लेंस। सो दिस इज़ 15x मैक्रो लेंस और ये है वाइड एंगल लेंस जो है 0.45x। तो इसको आप वाइड एंगल अगर यूज़ करते हो तो यू विल हैव टू माउंट बोथ द लेंसेज, अगर सिर्फ मैक्रो करना है तो आप इसको अलग से निकाल के मैक्रो यूज़ कर सकते हो। अब इससे पहले कि मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं, पहले हम फिज़िकली और बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, इसका जो केस है ये इतना इजीली बाहर नहीं आता, अगर मैं एक तरफ यहाँ पे आगे का जो ये लेड है लगा देता हूँ इतना इजीली बाहर नहीं आता, यूजुअली कहीं लेंसेज के साथ ही इशू होता है, इस वजह से मेरा जो फ्रंट कैप है वो बहुत जल्दी मिसप्लेस हो जाता है। पीछे की तरफ भी अलग से एक कैप है और ये चीज़ मेरे को अच्छा लगा कि आपको रोटेट करके निकालना पड़ता है तो इससे ईजिली ये भी मिसप्लेस नहीं होता। बाकी अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, अगेन द मोस्ट प्रीमियम लेंसेज जो मैंने अभी तक देखे हैं या ट्राई करे हैं। ये प्लास्टिक का बिल्ड क्वालिटी नहीं है, दिस इज़ आई एम अज्यूमिंग दिस इज़ प्योर मेटल, और इसका वेट भी अच्छा खासा है, जब आप यूज़ करोगे आपको पता लगेगा। मैक्रो का इतना नहीं है बट वाइड काफ़ी तो नहीं, मतलब हैवी है, बट ऑब्वियसली बिल्ड क्वालिटी इज़ गुड, तो बिल्ड क्वालिटी के साथ वेट आएगा, आई अंडरस्टैंड दैट, बट बिल्ड क्वालिटी में आई वुड से 9.5 out of 10। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको आगे दिखाता हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, ये जो आप साइज़ देख रहे हो ये है जो मेरे पास सिग्नी का लेंस आया है, और ये है एक जो मेरे पास पुराना मैक्रो लेंस पड़ा था। इफ़ यू कैन कंपेयर द साइज़, आई एम नॉट श्योर अगर आप देख सकते हो, तो एक बार जस्ट आप साइज़ का कंपैरिजन देखो कितना है। सो ऑब्वियसली जब ऑप्टिक्स में इतना डिफरेंस है तो क्वालिटी में डिफरेंस होगा ही, जो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी मैं लेंस साइड में रखता हूँ। बाकी जो इस पाउच के अंदर मिलता है वो है ये क्लैंप जिसमें हमारा लेंस माउंट होगा। अगेन दिस इज़ प्लास्टिक, नथिंग कुछ ऐसा अलग नहीं है, बट एक चीज़ अच्छा है जो पीछे रबर का ग्रिप लगा हुआ है, काफ़ी अच्छे से फ़ोन पे टिक जाता है तो इतना इजीली ये हिलता या बाहर नहीं आता। मेरे को एक्चुअली दो क्लैंप्स आए हैं, एक ये है जो थोड़ा छोटा है और ये बड़ा वाला है। सो Xiaomi के Redmi Note 7 Pro में मैं ये वाला यूज़ कर रहा था, अपने Samsung के Note 9 में मैंने बड़ा वाला यूज़ करा था। सो आई एम अज्यूमिंग कि ये दोनों क्लैंप्स आते हैं साथ में, ये छोटे फ़ोन्स के लिए, ये जहाँ पे डिस्टेंस कैमरा का ज़्यादा होता है। उसके बाद लास्ट कुछ आइटम, ये क्लीनिंग क्लॉथ आपको मिलता है, एंड देन ये क्या चीज़ है, ओके सो ये काम आएगा अगर आप इसको कैरी करना चाहते हो, पाउच को टांगना चाहते हो कहीं, तो ये उसके लिए है। सो ये था एक क्विक अनबॉक्सिंग और बिल्ड क्वालिटी का ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस का। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि वाइड एंगल लेंस का परफॉर्मेंस कैसा था। सो लेट मी टेल यू गाइस, मैंने इस टेस्ट में दो फोन यूज़ करे हैं, एक Redmi Note 7 Pro, एक Samsung का Note 9। तो इन दोनों से मैंने दोनों में अलग अलग सैम्पल्स यहाँ मैं आपको दिखा दूंगा अभी। सो यहाँ पे मेरा जो इसके बारे में रिव्यू है या मेरा फीडबैक है काफ़ी पॉजिटिव है। अब एक इशू जो मेरे को बहुत सारे वाइड एंगल फ़ोन लेंसेज में आता था वो था, जब भी मैं वाइड एंगल लेंस लगाता था साइड में विनिएटिंग आती थी। अब उसका एक मेन रीज़न जैसे मैंने आपको दिखाया साइज़ कंपैरिजन,
इसका ऑप्टिक्स या उसका कंस्ट्रक्शन ही इतना वाइड नहीं है कि वो काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर कर सके। इस वजह से इसमें मेरे को बिल्कुल भी विनियटिंग का इशू नहीं आया। Redmi Note 7 Pro में हल्का सा ऊपर की तरफ आ रहा था, उसका रीज़न ये है जो उसका कैमरा बम्प है वो थोड़ा बाहर को है, इस वजह से एंगल थोड़ा कैमरा का इस लेंस का चेंज हो रहा था, बट उसको मैं अगर थोड़ा सा एडजस्ट करूं तो वो चीज़ वहां पे करेक्ट हो जाती है। सो विनीटिंग का इशू इसमें बिल्कुल भी नहीं है, जो एक रीज़न है जिस वजह से मेरे को फर्स्ट फोटो में ही ये काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे हम वाइड एंगल में शूट कर रहे हैं तो एक इशू रहता है डिस्टॉर्शन का। सो डिस्टॉर्शन है, ऐसा नहीं है कि डिस्टॉर्शन नहीं है, बिकॉज मोबाइल लेंस का और इन लेंसेज का कॉम्बिनेशन ऐसा है, आप कोई भी यूज़ करोगे डिस्टॉर्शन रहेगा, बट काफ़ी कंट्रोल्ड डिस्टॉर्शन है। ऐसा नहीं है कि हल्का सा एंगल चेंज करने पर एकदम जो बिल्डिंग है वो टेढ़ी हो रही है, अच्छा खासा कंट्रोल डिस्टॉर्शन है, तो वो एक मेरे को इतना बड़ा इशू नहीं लगा। अब बात करते हैं शार्पनेस की, तो ऑनेस्टली शार्पनेस वाइड एंगल के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप कुछ सैम्पल्स अभी देख रहे हो, जस्ट टू शो यू गाइस कि इसका जो शार्पनेस है, अगर मैं यहाँ कंपेयर भी करूँ विद लेंस और विदाउट लेंस, आप देख सकते हो शार्पनेस काफ़ी अच्छी मेंटेन्ड है। एजेस में थोड़ा बहुत सॉफ्टनेस आ जाएगा, विच इज़ बट नेचुरल, बिकॉज एजेस में जब इतना वाइड आप एक कैमरा के लेंस को कर रहे हो तो एजेस में वो सॉफ्टनेस रहेगा, बट स्टिल इसमें वो काफ़ी अच्छा कंट्रोल हो रहा है। सो ऑल ओवर वाइड एंगल के हिसाब से ये लेंस मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। डू लेट मी नो कि आपके हिसाब से ये जो मैंने सैम्पल्स दिखाए हैं आपको कैसा रिजल्ट लग रहा है। सो अब मैं मूव करता हूँ इसके दूसरे लेंस पे, जिसके लिए मेरे को ये अनमाउंट करना पड़ेगा यहाँ से। सो ये है इसका 15x मैक्रो लेंस, लेट मी रिमूव द बैक कैप एज वेल। तो दिस इज़ द 15x मैक्रो लेंस जो आप मैक्रो फोटोग्राफी के लिए यूज़ करोगे, ऑब्वियसली नाम ही उसके लिए है। सो एक सबसे पहला हाईलाइटिंग पॉइंट इसका जो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा वो है इसका क्लोजेस्ट फोकसिंग डिस्टेंस। 15x है तो आप बहुत पास जा सकते हो, आई थिंक ऑलमोस्ट इतना पास मैं गया था कुछ फ़ोटो शूट करने के लिए जो अभी आप सैम्पल्स में देख रहे होगे। अब मैक्रो में एक सबसे बड़ा इशू क्या आता है, जब भी मैंने जैसे आपको दिखाया ये वाला मैं लेंस एपिक्सल का ट्राई कर रहा था या और भी 3-4 महीने पहले ट्राई कर रहे हैं, उसमें इशू क्या आता है, एज में बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस हो जाता है, हल्का सा सेंटर में शार्पनेस रहता है, वो भी शार्प नहीं रहता, उसमें बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस होता है। इसमें मेरे को वो चीज़ नहीं लगा, ये बहुत प्रीमियम और प्रोफेशनल लेवल का मैक्रो लेंस है। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट बीइंग पेड या ऐसा कुछ स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मेरे को जस्ट रिव्यू करने के लिए ये यूनिट मिला एंड आई एम शेयरिंग माई व्यूज़ अबाउट इट। मैंने इंस्टाग्राम पर भी कुछ फ़ोटो शेयर करे हैं, वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हो। सो लाइक आई टोल्ड यू, सेंटर टू एज जो शार्पनेस का रेशियो है वो इसका काफ़ी अच्छा है। एजेस में सॉफ्टनेस रहेगा बिकॉज मैक्रो लेंसेज, अगेन बट नेचुरल फ़ोन में वो चीज़ होगी, बट जो सेंटर में शार्पनेस है, ट्रस्ट मी द बेस्ट जो अभी तक मैंने यूज़ करा है। तो अभी तक तो मैंने आपके साथ सारे पॉजिटिव पॉइंट शेयर करे, आप सोच रहे होगे कि इसका कुछ नेगेटिव पॉइंट है या नहीं। परफॉर्मेंस वाइज मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा, कंस्ट्रक्शन वाइज मेरे कुछ फीडबैक हैं जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। लाइक आई टोल्ड यू, इसका बैक का ये यहाँ पे बैक कैप है, फ्रंट का भी ये कैप है, बट एक चीज़ जो मेरे को लगा कि लेट्स सपोज अगर मैं मैक्रो ज़्यादा शूट करता हूँ तो मेरे पास एक एडिशनल कैप्स होने चाहिए, आई थिंक ये तो रिमूव हो जाएगा, तो ये यहाँ पे माउंट नहीं हो पा रहा। सो मेरा फीडबैक यही है, इसके लिए एक अगर एडिशनल कवर रहे वाइड एंगल के बैक का और इसके फ्रंट का, सो दैट अगर मैं मैक्रो ज़्यादा शूट करता हूँ तो मेरा एटलीस्ट लेंस के जो एलिमेंट्स हैं, ग्लास हैं, वो प्रोटेक्टेड रहें। अब दूसरा, जैसे मैंने बताया मैं मैक्रो के लिए Redmi Note 7 Pro में यूज़ कर रहा था, अब इसका कैमरा बम्प इतना ज़्यादा है कि जब ये इस पर माउंट हो रहा था तो यहाँ पर हल्का सा जो एंगल है वो नीचे की तरफ आ रहा था, जिसकी वजह से बहुत हल्का ऊपर विनेटिंग आ रहा था, जो मेरे को मैन्युअली इस तरह से पकड़ के रखना पड़ रहा था शूट करते टाइम। आई होप इसका कुछ एक वे आउट रहेगा जो ये ब्रांड फिगर आउट कर सकता है, बिकॉज आई थिंक ये हर ब्रांड में इशू होगा जहाँ पे बम्प होता है। सो अभी टेम्परेरली आप क्या कर सकते हो, नीचे की तरफ एक पेपर का पीस लगा सकते हो, सो दैट वो जो एंगल नीचे को आ रहा है वो थोड़ा ऊपर को हो सकता है। तो ये था मेरा रिव्यू अबाउट Skyvic Signy Pro मोबाइल लेंस। एक चीज़ इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मैं एक यूनिट का गिव अवे कर रहा हूं, यही जो मैंने आपको दिखाया वाइड प्लस मैक्रो की किट जो है, प्रो किट बाय Skyvic Signy।
सो इफ़ यू वॉन्ट टू विन, पार्टिसिपेट करना बहुत ईजी है. आपको नीचे कमेंट करना है कि आपको ये लेंस क्यों जीतना है, आपको इसमें ऐसा क्या अच्छा लगा, या जो भी आपका फीडबैक है आप नीचे कमेंट में शेयर कर सकते हो. मैं रैंडमली एक कमेंट को पिक करूँगा 7 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, और जो विनर होगा वो मैं इंस्टाग्राम पे अनाउंस कर दूंगा. बेस्ट ऑफ लक फॉर द गिव अवे. आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा. अगर आप इंटरेस्टेड हो परचेज करने में, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके परचेज कर सकते हो. सो दैट इज़ इट फ्रॉम दिस वीडियो. हम मिलते हैं आगे इसी तरह इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में. तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग.